पर मैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने आया था। दोबारा हाथ जोड़ के कहने लग्या जी मेरे को ही बना रखा है। वह ऊपर ते नीचे तक देखा प्रधानमंत्री रियो, ऐसा भी प्रधानमंत्री होता है क्या? पर कहने लगे जी चाणक महाराज आपका ही नाम है। बोले हाँ मुझे कहते हैं चाणक। बोले बस आपसे मिलने के लिए आया हूं, कुछ बातें करनी है। बैठे और जब बैठकर के बातचीत शुरू हुई तो प्रधानमंत्री के यहां जो दीपक जल रहा था उस दीपक को बंद कर दिया और दूसरा दीवा जला लिया। ये विदेशी यात्री कहता है अरे श्रीमान जी पहले वाला दीवा भी जल रहा था, उसमें मैं देख रहा हूं इसके अंदर तेल है, आपने उसे बंद क्यों कर दिया, दूसरा क्यों जला दिया? तो प्रधानमंत्री कहते हैं अतिथि महानुभाव पहले वाला जो दीवा जल रहा था उसके अंदर मेरे राष्ट्र का तेल जल रहा था और मैं राष्ट्र का काम कर रहा था। अब मेरी और आपकी व्यक्तिगत बातचीत होगी, इसलिए जो दीवा मैंने जलाया है इस दिए के अंदर मेरी वेतन मेरी तनख्वाह से तेल जला हुआ है, इसलिए मैं राष्ट्र की एक पाई भी दुरुपयोग नहीं करता। अब मैं अपनी तनख्वाह वाले तेल के दीवे से बात करूंगा। चलो ठीक है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि फिर एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा देश इतने बढ़िया तरीके से कैसे बसा हुआ है? तो लो मैं सुन लो भजन, आपने पहले भी सुना होगा शायद। इतना विशाल देश और इतनी सुंदर व्यवस्था, मैं जानना चाहता हूं ये कैसे बनी हुई है। उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा सुनो श्रीमान जी हमारे यहाँ का संविधान बढ़िया है और केवल संविधान बढ़िया नहीं है, लोग उसकी पालना करते हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो विदेशी यात्री ने कहा जी मुझे भी लिखवा दो, मैं भी अपने देश में लागू कर दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा लिखो, और वो विदेशी यात्री लिखने के लिए बैठ गया और हमारे प्रधानमंत्री लिखवाने के लिए बैठ गए और कहते लो एक एक पॉइंट एक एक शब्द नोट कर लेना और तुम्हारा देश भी ऐसा ही बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो लो सुनो, बड़ा सुंदर लिखा था पंडित नरदेव जी ने। हो इस तरह बनेगा, केवल मेरे देश की बात नहीं आपके देश की बात नहीं, हां इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। हो इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। हो इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। कैसे? पहली बात सुनो, सबसे पहले आर्य नेता संसद में भिजवाए जाए, भ्रष्टाचारी खोज खोज जाजों में बिठाए जाए, ले जाकर समुद्र बीच बांध के डुबाए जाए, मध्य वस्तुओं के ठेके बंद सभी करवाए जाए, मध्य वस्तुओं के ठेके बंद सभी करवाए जाए, और पीवे जो शराब उल्टे पेट पर लटकाए जाए। यूं सुधरेगा देश। पीवे जो शराब उल्टे पेट पर लटकाए जाए, मांस खाने वाले गरम तेल में पकाए जाए, पके हुए तन के लगभग टुकड़े तीन कराए जाए, चील काग कुत्ते आदि जीवों को खिलाए जाए, चील काग कुत्ते आदि जीवों को खिलाए जाए, सुलफई सट्टेबाजों पे भी पड़े गजब की मार। इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। वो इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। विदेशी यात्री ने अपनी कलम नीचे रख दी। हमारे प्रधानमंत्री चाणक जी महाराज ने कहा क्या बात है लिखो। बोले जी मैं नहीं लिखूंगा। क्यों?
बोले लिख के तो ले जाऊंगा, लागू कौन करेगा इसने, ये तो बड़ा खतरनाक है। चाणक्य जी महाराज ने कहा चलो पहले पे सारा सुन लो, बाद में लिख लेना अगर समझ में आए तो। ये तो मेरे संविधान का एक चौथाई भाग है सारी दुनिया को सुधारने के लिए, और यदि आधा सुधारना चाहते तो और सुनो आगे। करते जो ब्लैक कर्म खंभों से बंधवाए जाए, गिन करके 50 कोड़े पीठ में लगवाए जाए, जेब कट ठाई गिरा चीर के सुखाए जाए, लुच्चे गुंडे बेईमान गोली से उड़ाए जाए, लुच्चे गुंडे बेईमान गोली से उड़ाए जाए, जो चीजों में मिलावट करें वो जेल में पठाए जाए, डंडी मारे कमती तोले गोडा डाले ता खड़ी गए, डंडी मारे कमती तोले वे खोद के गडवाए जाए, झूठी जो गवाही देते कोल्हू में पिड़वाए जाए, मंत्री जो अन्याय करे एमपी जो अन्याय करे एमएलए जो अन्याय करे, और बैठे हो तो सुनो, प्रधान जो अन्याय करे वे होली में जलाए जाए, मंत्री जो अन्याय करे होली में जलाए जाए, चुगलखोर हो खत्म करे जो दिन और रात बिगाड़, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। ये बात मैंने अपने हरियाणा में, गांव है हमारा हिसार जिले में, वहां कह दी मैंने। पांच चार बूढ़े बैठे थे ने बोले अरे बेटा राम निवास रुक जा, कई साल पहले की बात है। मां क्यों? बोला सारी दुनिया ने मरवा होगा कि किसी ने जिंदा भी छोड़ेगा क्या? मैंने कहा ताऊ जी ये मेरी बात नहीं है, चाणक्य जी महाराज की बात है। बोले बेटा ये तो अगर संविधान लागू हो गया तो धरती पे कोई आदमी बचे कोई नहीं। मैंने कहा ताऊ जी आदमी भी बचेंगे, संविधान भी लागू होगा, उसका भी एक तरीका है। और उसमें जो अंतिम बात लिखी कवि ने, देखो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भाई, एकाद शब्द जोड़ने का हक तो कवि को होता है। अपनी तरफ से एकाद धाराएं लगा दी उन्होंने, जोड़ दी, और वो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, केवल सुधार की दृष्टि लेकर के, तो उन्होंने एकाद लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी। पर निवेदन ये करता हूं हाथ जोड़ करके कि यदि किसी भाई पर लागू हो जा तो नाराज ना होइयो, घट सके इसे बुरा मत मानना, और मानोगे तो मान जाइयो हैं भाई, अगली बार बुलाने की टाल करो और इस फालतू ने मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता हैं, तो कहना तो पड़ेगा। इसलिए सुनो आखिरी बात में क्या लिख दिया, यूं सुधरेगी दुनिया। जुआरी जुआ बाज हवालात में पहुंचाए जाए, बीड़ी पीने वाले यहां है खतरा, बीड़ी पीने वालों के मुंह में खुंटे ठुकवाए जाए, बीड़ी पीने वालों के मुंह में खुंटे ठुकवाए जाए। और ये बात सुन के गांव में बूढ़े ने बोले रे ठीक रो काट्या, इन बीड़ी पीने वालों का यही इलाज करना चाहिए, बड़ा धुम्मा उड़ावा, बड़ा धन फूके हैं, और अपने आप उकड़ू साहब ने मेड़ रे मगाता वो नंबर धारा भी आवेगा। बीड़ी पीने वालों के मुंह में खुंटे ठुकवाए जाए, हुक्का पीने वालों के मुंह इंजन पे बंधवाए जाए, हुक्का पीने वालों के मुंह इंजन से बंधवाए जाए, भांग पीने वाले जीटी रोड पर सुलाए जाए, माल भरे ठेले इन पे सारा दिन घुमाए जाए, बुच्चड़ खाने तोड़ प्राण गऊओं के बचाए जाए,
अलग अलग लड़की लड़के गुरुकुल में पढ़ाए जाए, आर्यों के उत्सव सारे विश्व में कराए जाए, आर्यों के उत्सव सारे विश्व में कराए जाए। कह नर देव सुखी हो फिर सब दुनिया के नर नारी, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी इसलिए संविधान मजबूत होना चाहिए, संविधान के अंदर सख्ताई होनी चाहिए। और जहां का ऐसा संविधान होगा वो राष्ट्र कभी उसके अंदर बिगाड़ नहीं आ सकता। जहां पर देश के नौजवानों को चरित्र की शिक्षा दी जाती हो, जिस संविधान के द्वारा देश के बच्चों को संस्कृति और अपनी देश की आन बान मर्यादा की बातें सिखाई जाती हो, और जिस संविधान के द्वारा गृहस्थी कैसे रहे, ब्रह्मचारी कैसे रहे, वानप्रस्थी किस नियम में रहे, सन्यासियों का दायित्व क्या है, वो सारी की सारी बातें, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्यों को क्या करना चाहिए, शूद्र का क्या कर्तव्य होता है, ये सारी बातें जिस संविधान के अंदर लिखी हो और उनको लागू कर दे, तब देश का सुधार होता है। देखो देश के बच्चों को जब तक, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा चल रही थी, जब तक ये मेरी बहनें मेरी माताएं अपने बच्चों को वीरता की बातें सिखा करके इनको वीर नहीं बनाओगी, तब तक आपकी रक्षा करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है भाई। माताएं बच्चों को लोरियां दें, माताएं बच्चों को भूत प्रेतों से ना डराएं,